चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं फ्राई फ़िश की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये दो फ़िश ले ली हैं, मैंने जो है होल फ़िश ली है, आप चाहे तो पीसेस में भी ले सकते हैं। मैं इसके अंदर जो है एक मसाला प्रिपेयर करूँगी। मसाले के अंदर जो है मैंने लिया है 1 टेबल स्पून के बराबर जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मैंने इसको जो है फ्रेशली ही चॉप किया है, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून के बराबर इसमें जाएगा चाट का मसाला। 1 टीस्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला। और नमक मैं डालूंगी इसके अंदर हसबे जायका, आप अपने अकॉर्डिंग जो है टेस्ट के मुताबिक आप डाल लीजिएगा। मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर मैंने डाल दिया। अच्छा जी, इसके अंदर अब जाएगा लेमन जूस। लेमन जूस मैंने 2 लेमन ले लिए थे मीडियम साइज़ के, अगर आपके पास बड़ा है तो आप 1 डाल दीजिए। तकरीबन जो है 2 टेबल स्पून के बराबर जो है इसका जूस जो है होना चाहिए। अच्छा जी, लेमन जूस डालने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है। बस मैंने सारी चीज़ें देखे मैं मिक्स कर दूँगी। अच्छा जी, देखिए ये मसाला मैंने तैयार कर लिया है। अब जो है मैं फ़िश के ऊपर लगा दूँगी हाथों की मदद से, और अच्छे से जो है मैं इसको स्प्रेड कर दूँगी सारा, ताकि अच्छे से अंदर तक जो है इसका मसाला चला जाए। अच्छा, फ़िश को जो है ज़्यादा मसाला जो है मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा टाइम भी देते हैं तो ये बहुत अच्छी सी जो है मैरिनेट हो जाती है फ़िश। क्योंकि वाइट मीट है तो वाइट मीट के ऊपर मसाला जो है बहुत जल्दी जो है चढ़ जाता है, और बहुत ही मज़े का जो है मसाला इसके ऊपर चढ़ जाता है। बस ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारा मसाला इसके ऊपर आगे पीछे करके फ़िश के ऊपर मैं लगा दूँगी, और इसको तकरीबन जो है मैं 1/2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, ताकि मसाला जो है इसका अच्छे तरीके से जो है आगे पीछे चढ़ जाए, और बहुत अच्छी सी स्पाइसी सी हमारी जो है फ़िश रेडी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो है मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लगाऊंगी कॉर्नफ्लावर लगाऊंगी। जब मैं इसको फ्राई करूँगी मैं सिर्फ डस्ट करूँगी, कोई बैटर नहीं बनाना इसका, कुछ भी इसके ऊपर नहीं लगाना। बस ये देखें, इस तरीके से मैंने फिश को जो है अच्छे से मसाला लगा दिया आगे पीछे। अब जो है मैं इसको 1/2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, फिर जो है हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब देखिए जी, मैंने मैरिनेट करके रख दी थी फ़िश को, तो अब जो है इसको मैं ग्रिल कर लूँगी। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसके ऊपर कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो है मैं इसको इसी तरीके से ग्रिल करूँगी। और मैं जो है इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर, ताकि थोड़ी सी जो है ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। ज़्यादा नहीं कर रही, थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, ताकि थोड़ी सी क्रिस्पीनेस आ जाए इसके ऊपर। और मैं इसको जो है 5 मिनट के लिए जो है मैं छोड़ दूंगी, ताकि थोड़ा सा जो है इसके अंदर जज्ब हो जाए फिश के अंदर। उसके बाद जो है मैं इसको, ग्रिल पैन है मेरे पास तो मैं उसके ऊपर कर रही हूँ, आप चाहें तो आप किसी तवे के ऊपर कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप इसको डीप फ्राई कर लीजिएगा। बस 5 मिनट के बाद जो है मैं इसको पैन में डाल दूँगी। अब देखिए, इसको 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने जितना कॉर्नफ्लावर इसके ऊपर लगाया था वो जो है जज्ब हो चुका है, और ये देखेंगे इसकी कंडीशन है फिश की। अब जो है मैंने ग्रिल रख दिया है, उसके ऊपर मैं डालूंगी ऑयल, और इसको हम करते हैं फ्राई। ग्रिल पैन पे जो है मैं अब डाल रही हूँ ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर डाल रही हूँ, ताकि अच्छे से ग्रिल मार्क्स भी आ जाएँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयल होगा तो ग्रिल मार्क्स जो है अच्छे से नहीं आएंगे, तो इसलिए जो है थोड़ा ग्रीस हो जाए पैन, और फिर जो है अच्छी सी हमारी ग्रिल हो जाए। थोड़ा सा चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया है ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। इसके बाद जो है मैं इसके ऊपर फिश रख दूँगी। ऑयल जी गरम हो चुका है, ऑयल जो है गरम हो चुका है, अब जो है मैं फ़िश रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ग्रिल आप जब भी करें तो कोई भी चीज़ करें, और थोड़ी सी देर इसके ऊपर ग्रिल के मास्क आने दें, उसके बाद जो है आप इसको टर्न करें। पहले मैंने थोड़ी सी फ्लेम को हाई रखा हुआ है, ताकि अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ जाए, फिर जो है मैं फ्लेम को थोड़ा कम कर दूंगी, ताकि अंदर तक जो है फिश कुक हो जाए। अब इसको जो है 3 से 4 मिनट हो चुके हैं फिश को, तो अब जो है मैं इसको टर्न कर रही हूँ। ग्रिल करने का प्लस पॉइंट ये होता है कि ऑयल कम यूज़ होता है, जो ऑयल अवॉइड करते हैं वो जो है ग्रिल वगैरह यूज़ करते हैं, ताकि ऑयल भी कम यूज़ हो और आपका खाना भी जो है टेस्टी बने। अब जो है मैं इसको दोनों साइड से अच्छा सा जो है कुक कर लूँगी, और मेक श्योर कि अंदर से। अब जो है मैं इसको टर्न करती जा रही हूँ, क्योंकि फ़िश जो है साइज़ बड़ा है फ़िश का, तो मैं टर्न करती जा रही हूँ थोड़ी देर साइड पर, थोड़ी देर साइड पर, ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक जो है गोश्त गल जाए। और ये देखिए, फ़िश को तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए, मैंने इसको आगे पीछे कर दिया है 2-3 मरतबा, मैंने इसको टर्न किया था ताकि अंदर से जो इसका गोश्त है वो अच्छे से कुक हो जाए।
और ये जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मैंने इसको चेक कर लिया है, तो चले अब इसको सर्व करते हैं। और ये लीजिए जी, मज़ेदार सी मसालेदार सी फ्राई फिश हो चुकी है रेडी, और आप इसको कर सकते हैं विंटर्स में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, मैं वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पे, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और प्लीज़ इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा और मेरी रेसिपीज़ को शेयर करते रहिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।